भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। इसके विरोध में 500 से अधिक वार्ड बॉय और टेक्नीशियन आज हड़ताल पर हैं। सुबह 7 बजे से सभी कर्मचारी अस्पताल के सामने धरने पर बैठे हैं। बता दें, हमीदिया अस्पताल में रोज 2500 से अधिक की ओपीडी रहती है, वहीं 60 से अधिक ऑपरेशन होते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली के समय 3 महीने का वेतन बड़ी मुश्किल से दिया था, अब फिर 2 माह का वेतन रोक लिया है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। महंगाई के इस दौर में वैसे भी 8,000 रुपये महीना मानदेय दिया जा रहा है, इसमें भुगतान में देरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक सुनीत टंडन ने बताया कि हड़ताल जैसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई है। माह से पेमेंट नहीं आई है, ये हमारा तीसरा माह स्टार्ट हो चुका है, जिससे हम लोग काफी परेशान एवं खाना पीना तो बहुत परेशान है, जिस कारण हम बच्चों के सही से लालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे बोर्ड बॉय एवं ओटी टेक्नीशियन एवं ऑपरेटर सभी लोग कम से कम 500-600 की जनसंख्या में कल हड़ताल करेंगे।